सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपने YouTube वीडियो के लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आसानी तरीके से आप अपने YouTube वीडियो के लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी वीडियो पर अच्छा व्यू लाने के लिए हमको एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना चाहिए। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना होगा, तभी आप आसानी तरीके से सीख सकते हैं अपनी वीडियो के लिए थंबनेल बनाना। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही सब बताने वाले हैं कि YouTube वीडियो पर थंबनेल कैसे बनाते हैं और दोस्तों सेट कैसे करते हैं, तो इसको सब आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आ चुके हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसा YouTube टिप्स लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। चलिए फिर लेके चलते हैं अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे। सो दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है पिक्सल लैब, जो दोस्तों आपको यहाँ पे YouTube थंबनेल बनाने के लिए अच्छा क्वालिटी देता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे हम आ चुके हैं, आपको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं पिक्सल लैब। सो दोस्तों, हमारे सामने इस तरह का वो एप्लीकेशन आ जाएगा और दोस्तों आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा दोस्तों, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे तो पहले से है, इसके लिए ओपन लिखा है। तो चलिए दोस्तों, आपको बैक जाते हैं और यहाँ पे अपना पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। सो दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर टच कर देना है और दोस्तों आपको यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे कस्टम लिखा होगा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, टाइप करना है दोस्तों, और यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल लिखा होगा, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है और दोस्तों आपको यहाँ पे ओके कर देना है, जो थंबनेल का साइज में आ जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे यहाँ लिखा है नेव टेक्स्ट, तो इसको आपको डिलीट कर देना है। सो दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे अपना कलर को चॉइस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम कलर चॉइस कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कलर लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप अगर जो भी बैक कलर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे लगाना है रेड कलर का। चलिए, मुझे ये वाला कलर पसंद है, ये वाला लगा दिया हूँ और इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जो भी लिखना है अपने वीडियो के बारे में थंबनेल पे, तो लिख दीजिए। आपको यहाँ पे आना है टेक्स्ट पे। और दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे टच कर देना है, जैसे कि आपका जो भी रिलेटेड वीडियो हो आप उसमें वीडियो के बारे में लिख दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा यह वीडियो है YouTube थंबनेल कैसे बनाएं। चलिए हम लिख देते हैं YouTube, जैसे मेरा ये हो गया पहला, ये इस तरह का हो गया। सो दोस्तों आप इस तरह का देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फॉन्ट है, तो इसको हम चेंज कर देंगे, जैसे कि इसको यहाँ पे इस तरह डाल देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, थोड़ा इसका फॉन्ट मोटा हो गया है। और दोस्तों आपको यहाँ पे स्टाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको और मोटा कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, आप इसमें अपना स्टॉक दे दीजिएगा। जो देखिए YouTube के जो ब्लैक कलर लग रहा है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आपको इस पर टच करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे शैडो दे देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं शैडो दे दिया हूँ। देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा लग रहा है, आप इस तरह का शैडो दे सकते हैं कोई भी कलर में। तो चलिए दोस्तों, मैं ब्लैक ही कलर का शैडो दूंगा, सही कर दूंगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए एक ऐसा दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे आ जाना है बैकग्राउंड पे, और इसको ऐसे करने के बाद दोस्तों देखिए आप यहाँ पे जो भी कलर को अपना, जैसे मान लीजिए मुझे ब्लैक करना है, ये वाला पीला कलर का, येलो कलर का मुझे करना है, तो येलो कलर आ गया दोस्तों देखिए। और दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर आने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, और इसको इधर से बढ़ा दीजिए और इसको थोड़ा नीचे ऊपर कर दीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा दोस्तों। देखिए यह इस प्रकार का, इस तरह का हो जाएगा। इसको इस पर टच करना है और दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से टेक्स्ट पे आ जाना है। अब इसको यहाँ पे लिखना है थंबनेल। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं थंबनेल लिख और आपको यहाँ पे ओके करना है। और दोस्तों यहाँ पे इसको रोटेट किया हूँ, थोड़ा इसको मैं सीधा कर देता हूँ, इसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं दोस्तों, इसे यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा मैं सीधा कर देता हूँ।
अब दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से आ जाना है, थोड़ा इसको अपना हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको यहाँ पे स्टाइलिंग में आना है और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और दोस्तों इसको बैकग्राउंड को ही चेंज कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे ये बैकग्राउंड डालना है, ये वाला बैकग्राउंड नहीं तो ये वाला, ये भी अच्छा लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देना चाह रहे हैं। जैसे देख साइड देख रहे हैं बड़ा हो रहा है, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको नीचे ऊपर करने से थोड़ा ये आपका बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा। और इसको इस तरह प्रकार का ऊपर कर इस तरह कर दीजिए। और सो दोस्तों आप यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ YouTube वीडियो थंबनेल कैसे लगाएं। तो ये दोस्तों मैं थंबनेल लिखा हूँ, तो आपको यहाँ पे डालना है वीडियो। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, टेक्स्ट पे आ जाना है और इस पे लिखना है वीडियो। चलिए हम वीडियो लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वीडियो लिख चुका हूँ, आपको यहाँ पे इसको भी सेम प्रोसेस वैसे ही कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए स्टाइली पे आ चुका हूँ, आप देखिए इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो आराम से आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ब्लैक कलर डाल देता हूँ, इसको ब्लैक कलर हो गया, इसको सही कर दीजिए। और यहाँ पे स्टाइली पे आकर इसको थोड़ा मोटा कर दीजिए। और यहाँ पे आकर इसका बैकग्राउंड, ये लिखा है बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। और ये देखिए दोस्तों पहले से ही बैकग्राउंड ब्लैक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपना वाइट कलर चूज कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको थोड़ा सा इसको नीचे कर देना है, जैसे थोड़ा बगल में हो गया, और इसको थोड़ा नीचे कर देना है, जैसे इस तरह नीचे हो जाएगा। और दोस्तों आपको इस तरह का नीचे आने के बाद आपको इसको ही थोड़ा इस तरह कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। आपको सेम प्रोसेस ऐसे ही YouTube वीडियो का थंबनेल पे इसी तरह बनाया जाता है। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक YouTube वीडियो थंबनेल कैसे बनाएं, तो मैं बना दिया हूँ थंबनेल कैसे बनाएं। फिर से आना टेक्स्ट पे, फिर लिखना है कैसे बनाएं। उसको ओके करना है और थोड़ा बहुत नीचे आना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस वैसी तरह आप इसको डाल दीजिएगा। और यहाँ पे अपना इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला कलर डालना है, ये कलर डालना है, उसके बाद वह करना है, इसके बाद इस पे आना है और इस पे करना है, इसको सही करना है और इस स्ट्रोक दे देना है। जैसे कि मान लीजिए ये कलर का है वही स्ट्रोक है, तो इस पे हम इस तरह का सफ़ेद स्ट्रोक दे देंगे। सो दोस्तों आपको यहाँ पे शैडो भी दे देना है। जैसे देखिए दोस्तों शैडो देने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और दोस्तों आपको यहाँ पे बैक कलर पे आना है और इस पे टाइप करना है। आपको यहाँ पे इस तरह का करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह का बड़ा कर दीजिएगा, इसको भी साइड से बड़ा कर दीजिएगा। और नीचे की तरफ जो दिया है एकदम नीचे, इसके बाद इसको राउंड कर दीजिएगा। सो दोस्तों इस तरह का आप एक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपको ब्लैक शैडो इसकी बगल में डालना है, चलिए दोस्तों आपको ब्लैक शैडो में चलते हैं। आपने एक ब्लैक शैडो आप ब्लैक शैडो एक मैं PNG डाउनलोड किया हूँ गूगल से, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं आ गया हूँ अपने गैलरी में, और यहाँ पे आके सेम प्रोसेस गैलरी में पासवर्ड लगाया हूँ। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों, देखिए मेरा ये ब्लैक कलर का शैडो है। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे इसको ऐसे करने के बाद यहाँ पे इधर उधर कर सकते हैं। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं एक ब्लैक कलर का शैडो रखा हूँ, तो आप भी इस तरह का मंगा लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको ब्लैक कलर का शैडो नहीं मिल रहा है तो मेरे इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक ऑलरेडी ब्लैक कलर का शैडो आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों इस तरह होने के बाद दोस्तों आप अपना एक फ़ोटो PNG में लगा दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम अपना एक फ़ोटो भी चूज कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ प्लस पे जाना है और उसके बाद गैलरी में आना है, और उसके बाद दोस्तों अपना कोई भी PNG फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आप इस फोटो बता रहा हूँ, इस पे आना है, फोटो पे आना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये हो गया, ये रिमूव जो है रिमूव VG पे आ जाना है। इस तरह का मान लीजिए मेरा एक फ़ोटो है ये वाला,
यहाँ पे आना है, फोटो चूज करना है और दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देना है। सो दोस्तों आप इस प्रकार का आसानी से यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे शैडो भी दे देना है, देखिए दोस्तों मैं शैडो दे दिया हूँ। सो दोस्तों अगर आपको ब्लैक कलर का शैडो नहीं मिल रहा है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आपको मैं ऑलरेडी बनाकर दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड आसानी से आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। सो दोस्तों आप इस प्रकार देख रहे हैं कि कितना अच्छे से मेरा थंबनेल बन गया है। सो दोस्तों आप इस तरह का आसानी से यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं। सो दोस्तों अगला बात करते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे शेयर पे आना है, आपको यहाँ पे कस्टम लिखा है, आपको इस पे कस्टम पे आना है और यहाँ पे वेरी हाइग इस पे क्लिक करना है और दोस्तों आपको यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों देखिए थोड़ा बहुत मेरा यहाँ पे एड आएगा तो यहाँ से आप इसको कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद दोस्तों देखिए मेरा वो सेव हो चुका है। चलिए आपको लेके चलते हैं अपने बैक गैलरी में, दिखा देते हैं। यहाँ पे आ गए गैलरी में और सो देखो दोस्तों देखिए मेरा यहाँ पे गैलरी में भी आ गया है। और दोस्तों आप आसानी से फुल HD में थंबनेल बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।